super. I love you, Indians. गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है 5th of January 2021। फिलहाल अब आदत हो गई है थोड़ा थोड़ा 2021 बोलने की। इनिशियली तो मैं दिसंबर बोल रही थी, जनवरी भी नहीं बोल रही थी। ये अभी भी आज भी यहाँ पानी आ गया, थोड़ी विंडो खोल के रखनी पड़ेगी। रोज स्नोफॉल दिखाता है और कभी भी स्नोफॉल नहीं होता है। तो आज का जो लंच है वो है राजमा चावल। जो राजमा होते हैं जिसको उसको जर्मन में कहा जाता है बोनिन, BOHNEN। सिंस राजमा का कलर रेड होता है और तो इसको कहा जाता है रोटे बोनिन। ये नारियल जो है कब पता कितना पुराना है, ये 6 महीना पुराना है। मतलब 6 महीने पहले ये नारियल घर पे आया था, उसके बाद से ऐसा का ऐसा पड़ा है, मतलब कि इसको फूट नहीं पाए क्योंकि घर में कहीं पे भी फोड़ने हो तो घर फूट जाएगा, तो इसलिए इसको वेट करें कि बाहर ले जाएं फिर इसका श्री गणेश करें। तो ये है हमारे मसाले का पिटारा। हल्दी यहाँ तक पहुंच चुकी है, लाल मिर्च यहाँ तक पहुंच चुकी है, जीरा को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब कि सारी इम्पोर्टेंस लाल मिर्च और हल्दी पे ही चली आ रही है। तो ऐसे तो ये थर्ड प्राइज मिलेगा इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धनिया है, ओ सॉरी, सो धनिया की कोई इज्जत नहीं है हमारे घर में। तो कल मुझे खुद को ही देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कैसे जल्दी मैं तैयार हुई। आज भी मैं वैसे ही हुई हूँ, लेकिन कल थोड़ा खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा था, तो आज थोड़ा सा सिर वेर धोया, तेल लगा रखा था बालों में। और फिलहाल मैं टाइम से ही निकल गई हूँ, बहुत लेट नहीं हुई हूँ। अभी ठंड में हालत ऐसी है ना कि इतना कुछ लेयर्स पहन के, 1, 2, 3 जैकेट, टोपी, ग्लव्स, मफलर, बस एक छोटा सा मुंडी है बाहर निकली हुई है। तो आप मेरे पीछे एक येलो कलर की वो देख रहे होंगे, वो एक्चुअली टैक्सी नहीं है, इट्स एक्चुअली कि अगर किसी की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है तो एक इंश्योरेंस है ADAC करके, तो उसको आप कॉल कर सकते हो एंड दिल कम एंड देन दिल पिक योर कार एंड अदर थिंग्स। तो वो सब चल रहा है भैया, रियल स्ट्रगल है यहाँ पे। सर्दी में इतने कपड़े पहन के निकलो, बाप रे, 5 किलो का ऐसे ही वजन बढ़ जाए आपका। हाँ जी, तो हमें इन जानवरों के बारे में पढ़ना है जो कि है ये बारहसिंगा, जिसको कहते हैं देयर फिश। ये वाली जो एस्केलेटर है वो कल ख़राब हो गई थी और मुझे चल के जाना पड़ रहा था। देखो भाई, कबूतर पार्टी चल रही है यहाँ तो, बहुत इनके लिए कोई क्वारंटीन नहीं है, बहादुर कबूतर है ना भैया, ये ना डरने वाले। देख सकते ना, ये लाइन लगी है एक्चुअली में लोगों की ब्रेड लेने के लिए। आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, एक्चुअली दोपहर को बहुत नींद आती है एंड अब कुछ कर नहीं सकते, अब जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो क्लास छूटने वाला है। आज तो सही में लेट हो गया, वैसे इतना लेट में होता नहीं हूँ, अगर मैं लेट हो गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। मैंने उसको पूरे दिन बताया नहीं कि मैं आऊँगा घर के, और अब मैं आ गया हूँ नहा धो के एकदम टाइम से, तो छोटा छोटा सरप्राइज है, क्या पता खुश हो जाए। वैसे तो लगेगा कि उसने फ़ोन भी नहीं किया तो फिर ये घर पे ही रहेगा, बट मैं आ गया। Has to me a gay Angirut? Nein, have a best sana. Was put out it surprise. Idhar ashun jamati ya. Ich habe gedacht, du hast mich nicht gerufen und hast du hier kommen oder nicht? Oh. ये देख रहे हो? ये है तो चार्जिंग स्टेशन तो है, बट इसमें बोला जाता है कि अभी जर्मनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से 7 गाड़ियों के लिए 1 चार्जिंग स्टेशन बनी हुई है। वाह, क्या सुंदर सुंदर फ्रूट्स है। The orange clementine for you. For you. Today eat or tomorrow eat? Ich spreche Deutsch. Ah, wollen Sie Deutsch sprechen? Ja, ja. Wollen Sie das heute essen oder morgen essen? Am Morgen essen. Morgen essen. Ja. 15 Uhr. 15 Uhr. Ja. Okay. 2,60 €? Ja. Danke. Even here we have an YouTube channel. Super. I love you Indians. I love you too. एक बहुत बड़ा सवाल जो हम अक्सर एक दूसरे से जब तन्हा होते हैं तो पूछते रहते हैं कि
कल ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, क्योंकि या तो पोहा या तो ब्रेड ऑमलेट या तो स्प्रेड होता है, ब्रेड स्प्रेड होता है वो जो काई वाली ब्रेड मैंने आपको दिखाई थी और थोड़े बहुत सॉसेजेस नितिका जो नहीं खाती है। तो अक्सर हम दोनों तन्हाई में यही पूछते रहते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या खाया, क्या खाया, और मैं क्यों नहीं खाती सॉसेजेस, और नितिका हर बार बोल देती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरे पीछे वाले घर में ना कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बगल में पुलिस स्टेशन है। कौन सा ये वाला लेना चाहिए कि ये वाला लेते हैं? लास्ट टाइम भी यही लिया था, ये वाला भी है। ये टाफल सॉल्ट नहीं क्या? चलो ये लेके था। कौन सा लूं, चिप्स? आई थिंक ये वाला। कौन सा लूं बताओ? जो मर्जी। ये वाला ब्रेड है, ये 10 तारीख तक है। और अरे भाई थोड़ी फटाफट चाय बना दो, ये क्या है? आखिरी देखा बेटा, पकड़ लिया तुमको, एम मौके पे पकड़ लिया। तुम सारे क्यों खा रहे हो? दो बस। तो आज इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। आज का दिन जो था थोड़ा सा हेक्टिक था मेरे लिए, मैं क्लास गई थी और क्लास भी अच्छी रही। आज थोड़ा सा बेटर था, मतलब कि आप थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव हो गए हूँ पढ़ाई के लिए। और क्रिसमस ट्री जो है कल रिटर्न करना है हमको। बस एक है कि एक नई खबर सुनने को मिली है, जर्मनी में ऑलरेडी लॉकडाउन था, अनाउंस था कि 18 दिसंबर से 10 जनवरी तक लॉकडाउन था, मतलब दुकानें सब बंद थी, अब नहीं 5 लोगों से ज्यादा नहीं मिल सकते थे। बट अब एक और उससे ज्यादा भयंकर खबर ये है कि अब आप जो हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब जो एपिसेंटर्स हैं जहां जहां पर भी मैक्सिमम केसेस हैं, जैसे कि पर 100,000 रेजिडेंट्स में कहीं पे 200 केसेस आए हैं अगर, तो उन एरियाज को हॉटस्पॉट बना दिया गया है। और उस उन एरियाज में अगर आप रहते हैं तो आप 15 किलोमीटर से ज्यादा तक आगे नहीं जा सकते हैं। मतलब हम अगर घर पे किसी को बुलाना चाहें जो हमारे दोस्त वोस्त आसपास रहते हैं तो वो भी शायद ना आ पाए। पर ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो एरिया वो हॉटस्पॉट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये भाई 31 जनवरी तक हो रहा है अभी लॉकडाउन। हम रोज वीडियो बनाते हैं और अगर हमारा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो हमें ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है उससे कि लेट्स मेक अ वीडियो फॉर द नेक्स्ट डे। और हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छे से एंटरटेन कर पाएं या फिर हम खुद भी एंटरटेन हो पाए अपनी वीडियो देख के। पर आप अगर ऐसे देखते रहे वीडियो और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और हम जर्मनी के बारे में आपको और ज्यादा बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। दिस इज लाइक मोर रियल टाइम व्यू आपको मिलेगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पर आने का, यहाँ पर सेटल होने का, स्टूडेंट की तरह घूमने के जैसे, तो आपको काफी इंसाइट मिल सकता है रादर देन जस्ट सीइंग ऑल्सो वीडियो। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ आपको बहुत एक्सप्लेन करूं कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, बट ये जो इवेंट्स भी अकर होते हैं ये एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव दे देते हैं। जैसे हम भी अगर अब यहाँ पर बैठ के इंडिया का कुछ व्लॉग देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हम इंडिया को मिस नहीं करते हैं, हम कहीं ना कहीं वहां से कनेक्टेड रहते हैं उस चीज में। तो आप अगर और जानना चाहते हैं जर्मनी के बारे में और यहाँ की लाइफ के बारे में तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और चैनल के सपोर्ट के लिए उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वी विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट।